तो मुड़ी खाने का ट्रेन में अपना मजा है। भयंकर फास्ट चल रही है ट्रेन, टॉयलेट भी है भाई, काफी साफ सुथरा है। ये है थर्ड क्लास एसी का बाथरूम, देखो भाई कितना साफ है। तो फर्स्ट क्लास एसी में बैठ के खीरा खाने का मजा ही भाई कुछ अलग है। आप लोग खाते हो कि नहीं कमेंट करो। तो ये हम पहुंच गए अलीपुर द्वार फाइनली भाई धीरे। और भाई मैंने अंडा खरीद लिया यहाँ पे, चलिए ये अंडा मैं भी खाऊंगा। सीटें हैं भाई पूरी खाली है, खाली खाली है, नीचे वाला सीट पूरा खाली है। क्या डरावना ब्रिज है भाई। तो ट्रेन में ऑनलाइन खाना मैंने ऑर्डर करके मंगवा लिया और ये देखो फाइनली पहुंच गए हम अपने घर। तो भाई यहाँ से एनजीपी काफ़ी ज़्यादा दूर है तो भूख भी लग गई थी, तो मैंने सोचा अंडा यहाँ पे लेके खा लो। और ये देखो मेरा अंडा, मतलब अंडा देखने से ट्रेन में भाई मेरे को पता नहीं अंदर से क्या खुजली मस्ती है कि भाई खाने का मन करता ही है। और मैं आपको बता दूँ कि एक अंडे का जो दाम है वो 10 रुपये पर पीस करके लेता है, मतलब अगर आप दो अंडे लेते हो तो आपको 20 रुपये देना पड़ेगा, 3 अंडे का 30 रुपया। तो ऐसे करके यहाँ पे अंडे के मतलब जो है 10 रुपये बिकते हैं ट्रेनों में। अगर मैं नॉर्मल चीज़ों मूढ़ी और खीरा खाया उसका भी भाई दाम यहाँ पे 20 रुपये 10 रुपये ऐसे करके था। तो अभी भाई शाम के बज रहे 4:30 और मैं कोकराझार से बहुत आगे निकल गया हूँ, मतलब वेस्ट बंगाल में एंटर कर गए। तो अभी यहाँ पे मैं सो गया था, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत गहरी नींद में सो गया, 2 घंटे मैंने सोया। एंड अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे हम लोग एनजीपी पहुँच जाएंगे जहाँ मैंने फूड ऑर्डर किया है। तो मैंने नॉर्मल थोड़ा जो मैंने बताया था आपको कुछ खाया था दिन में वही, उसके बाद अभी तो फाइनली ये अंडा मैं भी खाऊंगा। तो इसका मतलब नॉर्मल सा स्नैक्स के लिए मैंने अंडे ले लिए जो काफ़ी डिलीशियस है, मज़ा आ रहा है। तो भाई अंडे खाने के बाद तो अभी थोड़ा सा नींद आ रहा है मेरे को। एंड ये ट्रेन भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ ये थर्ड क्लास एसी में भाई पूरा सीट ही खाली है। यहाँ पे देखो ना ऐसा लग रहा है कि भाई कंपार्टमेंट में सिर्फ 2-4 लोग ही है जिसका सीट है, बट ये आगे जाके मतलब यहाँ पे जो सीटें हैं वो भरेंगी, क्योंकि जो लोगों ने भी बुक किया होगा ना वो एनजीपी के बाद ही किया होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टेशन जैसे न्यू बोगाईगांव अलीपुर द्वार ये सब कट गया बट कोई भी पैसेंजर नहीं चढ़ा इस पर। बाकी यहाँ तो ये चार्जिंग का अगर मैं आपको सॉकेट दिखाऊं तो ये देखो ये रहा चार्जिंग सॉकेट, जो कि बढ़िया है, यहाँ पर सोते सोते हुए आराम से मैं चार्ज कर सकता हूँ, मज़ा आएगा यार। ये देखो यही मज़ा है थर्ड क्लास एसी में ट्रैवल करने का। अभी ना मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि जैसे मैंने कल टिकट बुक किया ना तब दिख रहा था भाई पूरे मतलब टिकट वेटिंग लिस्ट में है, एसी का भी टिकट वेटिंग लिस्ट में है, तो मैं ना सोच रहा था इतना जल्दी जल्दी बुक कैसे हो रहा है। अभी ना मेरे को पता चला मैं कामाख्या से चढ़ा हूँ, अभी ये थोड़ी देर बाद एनजीपी आ जाएगा, ये जो सीटें हैं भाई पूरी खाली है, खाली खाली है, देखो नीचे वाला सीट पूरा खाली है, इधर वाला पूरा खाली है, पीछे अगर देखो पूरा खाली है, मतलब सीटें पूरा खाली है। मेरे को पता नहीं लोग चढ़ेंगे कहाँ से, एनजीपी से चढ़ेंगे या फिर उसके आगे से चढ़ेंगे, बट सीटें पूरा खाली है और जगह पूरा वेटिंग लिस्ट। इवन मैंने कामाख्या से एनजीपी तक का भी मतलब मारा था मैंने थर्ड क्लास एसी में टिकट के लिए, बट क्या हुआ मतलब मिला नहीं मेरे को। अब यहाँ पे आके देखता तो खाली है, बट रात को जो मैसेज आया तो कन्फर्मेशन मिल गया था मेरा वेटिंग लिस्ट में था। पता नहीं IRCTC का बग्स होता है या फिर IRCTC में भाई जो ब्रोकर्स होते हैं उसका कुछ कनेक्शन होता है, बट आप अगर तत्काल में टिकट करने जाओगे तो दो मिनट भी नहीं लगते हैं, 30 सेकेंड 1 मिनट में फुल टिकट फुल। तो ट्रेन भाई यहाँ पे स्लो हो गई है। एंड ये देखो इवनिंग का नज़ारा यहाँ पे जो सनसेट हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ट्रेन से ये सनसेट देखने का फीलिंग ही अलग है। आप लोग कभी अगर ट्रैवल करते हो ट्रेन में तो क्या आप लोग सनसेट देखते हो या फिर सनसेट का लाभ उठाते हो, मतलब देख के मज़े लेते हो? तो अगर करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी ट्रेन देखो पीछे से भाई एकदम जब टर्निंग लेते हैं ट्रेन तो ऐसे मतलब देख के काफ़ी बढ़िया लगता है गेट के पास आके, बट हाँ जो बच्चे हैं वो लोग ऐसे कभी मत करना भाई, यहाँ पे ये रिस्क होता है आना। तो ट्रेन अभी भाई धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है और बीच में स्लो हो गई थी, मेरे को लग रहा है कि जो मतलब स्टेशन आने वाला है ना उसके लिए यहाँ पे ट्रेन शायद स्लो थी, और अभी यहाँ पे ट्रेन अपना वापस से रफ्तार पकड़ रही है। अभी जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है वो न्यू अलीपुर द्वार आएगा, जो कि भाई मतलब बोगाईगांव से तकरीबन 1.5 घंटे का मतलब जो रास्ता है वो यहाँ से मतलब बोगाईगांव से है अलीपुर द्वार का। तो ट्रेन ने एक बहुत ही अच्छा कवर अप किया एंड शाम तक हम लोग यहाँ पे न्यू जलपाईगुड़ी पहुँच जाएंगे जहाँ पे मैंने फूड ऑर्डर किया। और भाई भूख इतनी ज़ोर से लगी है, भले ही मैंने यहाँ पे अंडे खाए खीरा खाया पूरी खाया बट भूख जो लगी है भाई अलग लेवल की है, क्योंकि राइस खाने का मन होता है बहुत सा, मतलब ऐसा होता है ना ट्रेन जर्नी में राइस खाने का मन बहुत होता है। तो हमारी ट्रेन भाई स्टेशन के अंदर एंट्री ले रही है, अभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म आ जाएगा जो कि अलीपुर द्वार होगा। एंड ये ट्रेन मतलब देखो यहाँ पे ऐसे करके कटता है, देखो जो पटरी में पहले था उससे अभी लेफ्ट वाले पटरी पे चला गया है। तो ये सिस्टम मेरे को समझ नहीं आता है कैसे होता है,
मतलब लोहे का एक चीज़ इतनी बड़ी ट्रेन को इधर से उधर कर देता है, मतलब सच्ची बता रहा हूँ, जो लोग इसके पीछे काम करते हैं वो सब बढ़िया मतलब काम करते हैं। तो ये देखो सामने अभी यहाँ पे मतलब स्टेशन दिख रहा है मुझे, एंड ये फीलिंग भाई, आप लोग अगर ट्रेन में जाते हो तो ऐसे करके गेट पर खड़े हो के देखते हो स्टेशन के पास, तो ऐसे मतलब बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को, मतलब जानना है आप लोगों की जर्नी के बारे में, जो लोग भी यहाँ पे ट्रेन जर्नी करते हो, भले ही आप लोग यहाँ पे स्लीपर में करते हो, एसी में, फर्स्ट एसी में करते हो, बट बताओ मेरे को ट्रेन जर्नी में आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखो फाइनली हम लोग आ गए हैं अलीपुर द्वार। अच्छा तो पटरी से इसलिए हटाया था ट्रेन को, मतलब कि यहाँ पे आगे मालगाड़ी खड़ी थी, और शायद से ट्रेन जो बीच में स्लो हुई थी मेरे को लगता है उसका रीज़न भी ये मालगाड़ी ही था जो कि यहाँ पे खड़ी है। ट्रेन अभी न्यू अलीपुर द्वार पहुँची है, एंड अभी शाम के भाई 4:30 से ज़्यादा हो गए, तो अभी थोड़ा सा बाहर निकला। अभी न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचने में ट्रेन थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि ट्रेन रास्ते में रोक दिया था 1.5 घंटे, तो लेट हो गया ट्रेन। बाकी स्टार्टिंग में तो अच्छा ही चल रहा था, रनिंग मतलब बहुत अच्छा था, बट बीच में पता नहीं किसी दूसरे ट्रेन को यहाँ पे सिग्नल देने के लिए रुक गया। तो अभी यहाँ से फिर LGP जाने के बाद वहीं पे मैंने खाना ऑर्डर किया, तो वहीं खाऊंगा। चलो तब तक अंदर जाके ही बैठते हैं भाई, यहाँ पे ट्रेन ज़्यादा देर रुकेगी नहीं। अभी भाई मेरा बैग चेकिंग हुआ यहाँ पे अलीपुर द्वार में, पुलिस वाले दो आए, बोले कि भाई बैग दिखाओ, तो बैग चेकिंग हुआ। बाकी मेरा ही नहीं, यहाँ पे 3-4 लोगों का भी चेक किया, तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ठीक है, क्योंकि मतलब आजकल ट्रेनों में भाई बहुत ज़्यादा कोई के बैग में जाके बॉम्ब वगैरह डाल दिया, तो इस सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ठीक रहेगा, अब मतलब ठीक था। बाकी मैंने चेक कराया, कुछ था नहीं, सिर्फ कपड़े वपड़े मिले उसको, और बाद में मैंने कपड़ा निकाला, बाद में मैंने उनको बोला कि भैया मतलब सर आप मेरा हेल्प करो रखने में, ऐसे निकाल कर जा रहे थे भाई, उससे हेल्प करवाया, फिर उन्होंने वापस ठीक से रखा और उसके बाद वापस लेके चला गया, कुछ मिला नहीं। तो ये थोड़ा अच्छा लगा, ये थोड़ा ट्रेनों में सिक्योरिटी को लेके इतना सीरियस है प्लीज, ये अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा सच्ची बात। तो ट्रेन भाई मतलब यहाँ पे बहुत देर हो गई खुली हुई, और यहाँ पे अलीपुर द्वार से निकल के अभी हम लोग यहाँ पे बोगाईगांव की तरफ, सॉरी जो न्यू जलपाईगुड़ी है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, एंड न्यू जलपाईगुड़ी तकरीबन यहाँ से 1-1.5 घंटे लगेगा। ये देखो ब्रिज आ गया, और ब्रिज भाई ये काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा है मुझे, सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे ब्रिजेस कभी भी आते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, जो कि बड़ी नदी के पास होता है, सच्ची बहुत स्केरी होता है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे न्यू जलपाईगुड़ी NGP, और भीड़ देखो काफ़ी ज़्यादा है, मुझे लगता है जो मेरी सीटें यहाँ पे खाली अगल बगल की वो यहीं पे भर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग चढ़ने वाले, और यहीं से बहुत सारे लोग जाते हैं वैष्णो देवी दर्शन के लिए। तो NGP से मेन जो ट्रैवलिंग होता है NGP से होता है, जो कटरा एक्सप्रेस है उसमें जो कामाख्या से खुल के जाती है वैष्णो देवी तक। तो अभी मेरा ऑनलाइन फूड आने वाला है यहाँ पे भाई, मज़ा आएगा। तो गाइस मेरा ऑनलाइन फूड आ गया है यहाँ पे, देखो अभी इनको मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ, और क्या मंगवाया है ये आपके लिए सरप्राइज़ है। तो अभी भैया लेके आए यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे मेरा सीट नंबर डाल दिया था और कोच डाल दिया था, जैसे कि AC का 3rd क्लास AC का था तो B2 मैंने डाला था, और सीट नंबर मेरा था 71, तो मैंने वो डाल दिया। अभी देखो यहाँ पे फाइनली आ गया, और ये रहा मेरा डिलीशियस फूड जिसको निकाल के मैं अभी खाऊंगा यहाँ पे। ओ भाई ये चोर है क्या? NGP पहुँच गए हम लोग, एंड रात के 7:30 बजे, ट्रेन 1.5 घंटा लेट है, और एक्चुअली रास्ते में रुक गया था इसलिए लेट हो गया था। और अभी यहाँ पे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर फूड किया था, फूड ऑनलाइन नहीं किया था, तभी वो आ चुके हैं, तभी जाके खा के सीधा सो जाना है। तभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ फूड क्या क्या मैंने मंगवाया है। तो ये देखो मेरा ऑनलाइन फूड मैंने ऑर्डर किया था NGP में, यहाँ पे खीरा है, राइस है, साथ में यहाँ पे सैलेड का साथ में अचार है, चिकन है, ये रायता है, सब्जी है, दाल है, प्लस एक पैकेट मैंने बिरयानी एक्स्ट्रा मंगवाई है ये रात को खाने के लिए 11:30-11 बजे। तो अभी 6:30 के आसपास में बज रहा है, और फिर रात को फिर भूख लग जाएगी तो फिर खा लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बिरयानी के साथ में भी रायता दिया और चावल के साथ में भी रायता दिया है यहाँ पे, और मतलब भाई देख के मुँह में पानी आ रहा है, सच्ची बता रहा हूँ, इसके लिए मैंने कितना वेट किया, ये बिरयानी के लिए मैंने दिन भर वेट किया यहाँ पे। सुबह 11 बजे मैं इस ट्रेन में चढ़ा, और शाम को अभी भाई 6:30-7 के आसपास में मुझे खाने को मिल रहा है ये खाना, डिलीशियस फूड है जो मैंने दिन में ऑर्डर किया था, जब मैंने स्टेशन पे चढ़ा था उस टाइम पे ही ऑर्डर कर दिया। ट्रेन तो लेट हो गया बट कोई दिक्कत नहीं, अभी खा के उसके बाद आराम ही कर रहे। तो मैंने जो आइटम दिखाया खाने के बाद फिर बताता हूँ आपको कैसे ऑर्डर करना है। ओ भाई मेरा डिलीशियस खाना, ये देखो चिकन भाई मुँह में पानी आ रहा है, प्लस राइस है, सब्जी है, दाल है, रोटी है, दही नहीं सॉरी रायता है भाई, दही के नाम पे रायता ये लोग दे देते, और चिकन, और ये एक चम्मच दिया है भाई खाने के लिए यहाँ पे। तो एक बाइट मैंने खाया है और काफ़ी मज़ेदार है यहाँ पे खाना, बहुत बढ़िया था बट
जैसे कि मैंने आपको बताया कि IRCTC ऐप से आपको करने क्या है कि IRCTC ऐप्स में जाओ, उसके बाद वहाँ पे जाके फूड का ऑप्शन होता है उसमें जाके अपना PNR नंबर दो, लॉगिन करके एंड से करो रेस्टोरेंट, उसके बाद ऑर्डर कर दो, बस हो गया। ज़्यादा मतलब वो नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। किया 490 का बिल हुआ था, एकदम बिरयानी था और बाकी राइस, चिकन राइस ये सब था जो कि मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी, तो सस्ता ही था, उतना ज़्यादा महंगा नहीं था। बाकी ऐसे ट्रेन का अगर खाने की बात करूँ तो ट्रेन का खाना उतना क्वालिटी मतलब नहीं मिलता है और टेस्ट भी नहीं होता उतना, इसीलिए मतलब मैं नहीं खाया इधर, तो मंगा लिया ऑनलाइन। बाकी अभी तो 7:30 बज रहे हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ पे फ़ोन चला के फिर सो जाऊँगा, फिर सुबह कल यहाँ पे 6 बजे उतरना है। तो गाइस सुबह मॉर्निंग में आपका स्वागत है, एंड रात को जो भाई मैं ट्रेन में सुबह मतलब 4 बजे उतरा, तो सच्ची बता रहा हूँ एक बात, मतलब ट्रेन में मेरा फोन ऑफ हो गया, इसके बाद रात का टाइम में क्या होता है 11 बजे के बाद जो ट्रेन का जो लाइटें होती है, जो कनेक्शन होता है चार्जिंग पॉइंट में, वो हटा दिया गया, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया, मैंने भूल भी गया था फ़ोन चार्ज करना। तो सुबह सुबह अब यहाँ पर मैं स्टेशन पर उतर के फ़ोन चार्ज किया एंड उसके बाद यहाँ पर मैं हावड़ा सियालदह जयनगर में अभी बैठा हूँ, मतलब हावड़ा सियालदह जयनगर एक्सप्रेस है उसमें बैठा हूँ और जा रहा हूँ मैं जयनगर। तो मतलब थोड़ा उसके लिए सॉरी यार, मतलब और मैं रात का सिनेरियो आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि मतलब चार्जिंग पोर्ट ऑफ कर दिया था और मैं खाना खाने के बाद सो गया था, आप लोग जैसे जानते ही हो, तो इसीलिए मैं नहीं दिखा पाया आप लोगों को, मतलब भूल ही गया चार्ज करना, शुरू के देखते डेड हो गया, मतलब ऑफ हो गया था। उसके बाद मैं वहाँ पे 4 बजे उतर गया एंड उसके बाद ये हावड़ा जयनगर सियालदह जो एक्सप्रेस है वो पकड़ के अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी ये देखो सिनेरियो काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, और अभी जो मैं जनरल जो बोगी में बैठा हूँ वो जनरल बोगी है, मतलब सोचो एक एसी से फिर जनरल में ट्रैवल करने का क्या मतलब वो होता है, ये चीज़ एक्सपीरियंस मेरे को लेना था। देखो मैं यहाँ पे वापस वहाँ पे तत्काल टिकट काट के एसी में बैठ जाता या फिर मतलब कुछ कर लेता, बट मैं नहीं किया, जनरल का एक्सपीरियंस लेना था मेरे को गाँव में, और यहाँ पर मैं गाँव में जनरल का एक्सपीरियंस यहाँ पर बढ़िया तरीके से ले रहा हूँ। और भीड़ की बात करूँ तो भीड़ काफ़ी है, अगर मैं इन लोगों की तरफ कैमरा करता हूँ तो ये लोग भाई देख के ही मतलब अलग तरह से रिएक्शन देते हैं, इसलिए मैं कैमरा वालों के मुँह पर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि बाद में भाई क्या पता किसको अच्छा लगे किसको बुरा लगे, ये मतलब इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँ। तो गाइज ये जो ट्रेन है ये पूरा सुपरफास्ट ट्रेन है, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन है और जयनगर स्कूल के सियालदह हावड़ा जाती है, तो यहाँ हावड़ा मतलब कलकत्ता जाती है। तो भाई ये ट्रेन काफ़ी फास्ट यहाँ पे चल रही है, अगर मैं बात करूँ सच्ची में तो जो मैंने जो कामाख्या कटरा जो एक्सप्रेस में मैं चढ़ा था और इसमें जो चढ़ा हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा फास्ट ये ट्रेन लगा है, मतलब इतना फास्ट चल रहा है सच्ची, मतलब 160-170 के आसपास में ये चला जाता है एक टाइम पर, और अचानक से फिर ये स्लो हो जाता है कभी कभी। तो इसका जो ड्राइवर है काफ़ी मतलब मस्त मौला ड्राइवर है, लेकिन अभी थोड़ा ट्रेन स्लो कर दिया है क्योंकि आगे शायद या तो सिग्नल नहीं मिल रहा होगा या फिर यहाँ पे इसका स्टॉपेज तो नहीं है, वैसे इसका स्टॉपेज नेक्स्ट जयनगर में ही जाके है, तो अभी नॉर्मल ऐसे स्लो करके रखा है, शायद मेरे हिसाब से आगे सिग्नल नहीं मिल रहा होगा इसीलिए। तो भाई फाइनली ट्रेन जो है जयनगर पहुँच गई है, और जयनगर के स्टेशन की बात करूँ तो देखो ये इसका यार्ड है पीछे, और काफ़ी बड़ा स्टेशन है जयनगर स्टेशन जो कि इंडिया नेपाल के बॉर्डर के पास पड़ता है, एंड ये जयनगर के बाद जो ये पटरी आपको दिखेगी सीधी जाती हुई सीधा नेपाल आ जाएगा। तो ये सामने हमारे लगी हुई है शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ पे, और ये इसमें सिर्फ एसी बोगी मिलेगा आपको, नो जनरल नो सेकंड क्लास, ओनली एसी फर्स्ट सेकंड थर्ड टीयर तीनों एसी है। तो ये फाइनली ट्रेन अभी यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है और ये है जयनगर। तो फाइनली मैं जयनगर आ गया, और सच्ची बता रहा हूँ भाई एक अलग सी फीलिंग आ रही है, मज़ा आ रहा है, मतलब ट्रेन की जर्नी करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप लोग को मज़ा आता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो कि ट्रेन की जर्नी करके आप लोगों को कैसा लगता है, ताकि मैं वो कमेंट सेक्शन में पढूं और मेरे को आप लोग से एक रिलेशन मतलब महसूस हो, रिलेट हो, मतलब कि हाँ भाई मज़ा आता है ट्रेन जर्नी करके। तो देखो ट्रेन यहाँ पे स्टेशन पे पहुँच गया, फिर भी स्लो होने का नाम नहीं ले रहा है, ये अपने रवैया में ही चल रहा है, मतलब स्पीड में आया था तो स्पीड में ही जो प्लेटफॉर्म है उसमें भी स्पीड में ही घुसे जा रहा है, ऐसा नहीं कि भाई स्लो कर दे थोड़ा यहाँ पर, ना भाई हम तो आगे जाके फिर स्लो करेंगे। तो इसका ड्राइवर भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, मतलब सच्ची मस्त मौला आदमी होगा जो भी इसका ड्राइवर होगा भाई। फाइनली मैं पहुँच गया अपनी डेस्टिनेशन पर, एंड अभी क्या है कि मतलब बता रहा हूँ रुके, एक्चुअली मुझे उतरना था दरभंगा, बट वहाँ से मैंने जो ट्रेन मतलब मैंने पकड़ा था कटरा उसको चेंज करके मैं चला गया उसमें, जो मेरे मतलब घर जाने वाला ट्रेन था वहाँ मैं चला गया, एंड वहाँ जाने के बाद फिर वो ट्रेन पकड़ के सीधा
स्टेशन पे आ गया। तो मुझे उतरना था दरभंगा, बट मैं उतरा जयनगर, क्योंकि जयनगर काफ़ी अच्छा था, मतलब जयनगर ही मुझे उतरना था। तो मैं सोचा था दरभंगा से मतलब दूसरा ट्रेन लूँगा, बट ऐसा हुआ कि समस्तीपुर में मुझे मतलब ट्रेन मिल गया जयनगर का। तो मैंने जो वो ट्रेन में जो मैं पहले ट्रेन में बैठा था उसको चेंज करके और वापस से जो जयनगर आने वाला ट्रेन था मैं वहाँ पर आ गया। अभी मैं आपको बता दूँ कि जयनगर जो है इंटरनेशनल स्टेशन है इंडिया और नेपाल का, और सामने अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो वो मिल जाएगा आपको नेपाल का बॉर्डर, बट आपको इंटरनेशनल बॉर्डर में दिखा देता हूँ इंडिया नेपाल का जो स्टेशन है। तो ये देखो यहाँ से सामने सीधा मतलब लेफ्ट साइड में आपको जो लाइन दिख रही है वो लाइन सीधा नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जाती है, जो कि जनकपुर जाती है। तो जयनगर से ट्रेन यहाँ से खुलती है और डायरेक्ट जनकपुर मतलब उसका डेस्टिनेशन होता है, और ये मतलब जयनगर का जो रेलवे यार्ड है वो दिख रहा है आपको। बाकी ये क्लिप ख़त्म करने के बाद आपको एक चीज़ मैं मतलब बाद में मतलब बता दूंगा, अभी पूरा थक गया हूँ, ठीक है, इसको यहीं ख़त्म कर देता है।